मीडिया के सामने उर्फी ने कभी खुद को इतना कवर नहीं किया था। उर्फी जब भी कैमरा के सामने आती वो अपने ओरिजिनल अवतार में आती। बहुत कम ही ऐसा देखा गया हो जब उर्फी ने अपने कपड़ों के ऊपर कोई श्रग पहनी हो या कोई जैकेट डाली हो। लेकिन हमने उर्फी को दो जगह स्पॉट किया जहाँ पर उर्फी अपने आप को कवर करती हुई देखी गयी। पीछे का रीजन है उर्फी को एक रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिलना। वेल, आपने सुना होगा कि दिल्ली के मेट्रो में रिदम चलाना को बैन कर दिया गया था और रीजन थे उनके कपड़े, और उसके बाद से रिदम उर्फी से कंपेयर होने लगी। लेकिन यहाँ पे माजरा उल्टा हो गया। अब रिदम की तरह उर्फी को भी नॉट अलाउड बोल दिया गया। और जहाँ तक खबरों की माने तो इसके पीछे का रीजन भी उर्फी के कपड़े ही है। जानकारी उर्फी ने खुद अपने सोशल मीडिया पर दी और उर्फी ने बताया कि उन्हें एक रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली। उर्फी जी, उर्फी हमेशा से अपने कॉन्ट्रोवर्शियल कपड़ों को लेकर जानी जाती हैं। जैसे उर्फी कुछ पहनती हैं, उस पर बवाल मच जाता है, और रमजान के महीने में उर्फी कुछ ज्यादा ही ट्रोल हुई। सबसे ज्यादा तो उर्फी को डिसलाइक तब किया गया जब उन्होंने ईद के दिन बिकनी पहन के फोटो डाली, और अब मुंबई के एक रेस्टोरेंट में उनकी एंट्री बैन हो गई। आपको क्या लगता है, क्या इससे उर्फी की स्टाइलिंग चेंज होगी? क्या इससे उर्फी ने जिस तरह से आज खुद को कवर किया है पब्लिक प्लेस पर, हमेशा कवर करती रहेंगी? दो दिन पहले गन वाला नया था। पीछे भाई, बन रहा है। फोटो भी नहीं ली मेरी तो यार।